देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी एक मिनट जलेबी खा के बताइए ना कैसी बनी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। ये सारा ना गरीबों को खिलाना है ताकि चंदा की आत्मा को शांति मिले। क्या हुआ, खाओ खाओ, गरम गरम ही अच्छी लगती है, फिर ठंडियों के स्वाद नहीं आएगा। ये क्या भाभी, आपका मुंह क्यों लटक गया? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी झूठी मनगढ़ंत कहानी पे भी ना हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं, हाँ, ताकि हमारी चंदा की आत्मा को शांति मिले। गरीबों को खाना खिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है दीदी, फिर चाहे किसी भी बहाने से क्यों ना खिलाया जाए। और रहा सवाल चंदा की आत्मा की शांति का, तो उससे पहले आपकी आत्मा की शांति जरूरी है। आप हुआ जो है मीठा थोड़ा कम है, लाइए मैं डाल देती हूँ। सुनो, 3 दिन बाद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, उसमें कोई अमंगल नहीं चाहिए, सिर्फ मंगल काम होंगे, समझी तुम? सब मंगल ही होगा, क्योंकि माता रानी मेरी चंदा के साथ भी कुछ अमंगल नहीं होने देंगी। सुन, देख ले ध्यान से, फिर बताना कहां से शुरू करे। किसने किसने ढूंढना? कोठी ने खरी, एक बार अपने टावरों की शकल देख ले, सवेरे से खाली पेट घूम रहे हैं, पहले खाना ढूंढ ले, हैं? कोठी फिर ढूंढ लेंगे। हाँ, कल रात से कुछ ठीक से नहीं खाया, खाना देखते हैं, चलो। हाँ बापू, ये बता के खाओगी? चलो चलो चलो, भंडारो हो रहे है गरीबों के लिए, अच्छो अच्छो खानो मिलेगो बड़ा लोगों वालो बड़ी कोठी में। ना भाई साहब, हम तो ठीक, मिठाई मिलेगी ना, भर पेट मिलेगी, चलो ना बापू। पर करे हो, खाना ढूंढने निकले, सामने से खाना दे रहे, क्यों मना करे? हाँ बापू चलो ना, भूख लगे मन ने। हाँ बापू चलो ना, खाना भी मिलेगा, चलते हैं, खाना भी खा लेंगे, बड़ी कोठी भी देख लेंगे, चलो। ये! चल 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 चल। क्यों बन रहा है, कोई आने वाला है क्या? ये लो तारा बेटा, दूध पी लो आप। नहीं, पहले आप बताओ कि कौन आने वाला है। तारा बेटा, कोई आने वाला नहीं है, कोई चला गया है, एक छोटी सी बच्ची, उसकी आत्मा की शांति के लिए गरीबों को खाना खिला रहे हैं। तारा दूध पियो आप। उतरो, कोठी आ गई। आजा पापू, सड़क पे बड़ा कीचड़ से उठे। रे तू भी ना, तने कब से कीचड़ से दिक्कत होने लग गई, ले चप्पल पहन, नौटंकी करे, जा बापू पास जा। को। चलो आइए, सब लोग खाना खाइए, आदमी लोग उधर, औरतें इधर, बच्चे इधर आ जाओ। क्या हुआ? कोठी को पाए। हाँ, अरे सपने वाली कोठी को पाए।
अरे भाई इतना बड़ा जलसो हो रहे हो है, कोई बड़ी खुशी है के? नहीं, गम में है। एक बच्ची थी जो अब नहीं रही, उनकी आत्मा की शांति के लिए। इस घर की बच्ची होगी? चल अम्मा हम भी प्रार्थना कर लेवे उस बच्ची के लिए, पहुंच जावेगी जहाँ पहुंचना है उसे शांति से है? चल। मेरा दिल जो कह रहा है क्या वो सच होगा? क्या मुझे मेरी चंदा कभी मिलेगी? मैडम आप परोसेगी? की बच्ची थी जो चढ़ बसी, पता नहीं मगर कोई खासी होगी, तभी तो इतना बड़ा भंडारा रखा है। हाँ बड़े लोग बड़ी शान। वो तो है। है कौन है बड़े लोग? अच्छा ठीक है जाओ। ये तो वही न्यूज़ है जिसमें चंदा 6 लोगों का हुआ एक्सीडेंट, किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली है, पुलिस को शक है कि वो 6 भाग गए हैं कहीं। हे माता रानी थैंक यू, मुझे यकीन था कि मेरी चंदा को कुछ नहीं हुआ होगा। थैंक यू। भागेगी तो काट लेगा। देखा काटना भाग जाएगा। तुझे डर नहीं लगता? नहीं मुझे तो बहुत डर लगता है डॉगी से। मैं किसी से नहीं डरती। सांप
बिच्छू, अंधेरा, जंगल, किसी से भी नहीं, लिजर्ड से भी नहीं। वो क्या होता है? लिजर्ड, छिपकली। ओ, किसी से भी नहीं, मेरी फ्रेंड बनेगी। क्या बनूंगी? फ्रेंड? ये भी नहीं पता। तू बहुत स्टूपिड भी है। हाँ, मैं हूँ। फ्रेंड मतलब दोस्त। मैं तारा, मेरी दोस्त बनेगी और मेरा नाम है चांदनी। ए, खाना छोड़ के किधर जा रही हो? उधर मत जाना। ए वो खाना खा ले, खाना खा ले। ये किससे चोच लड़ावे है? दिखे तो अमीर है। मेरे पास बहुत सारे टॉयज है, खिलौने। चल तुझे दिखाती हूँ। पर जाना कहाँ है? वहाँ। इतना बड़ा घर तेरा है और ऊपर से इतने सारे खिलौने भी। चल चल तुझे दिखाती हूँ। रुक, पहले मैं मेरी अम्मा से पूछ लूँ। तू तेरी मम्मा को अम्मा बोलती है? तू सांप से नहीं डरती, तू जंगल से नहीं डरती, तो तू तेरी अम्मा से क्यों डरती है? मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है, तेरी भी करती होगी, कुछ नहीं बोलेगी। चल ना। तारा, कट जा रही छोरी। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी मैडम। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मेरा ध्यान कहीं और था। ये इधर आओ। ये ले, तू भी ले। तारा, ये कौन है और आपकी फ्रेंड कैसे बन गई? डॉगी था, वो मुझे काटने वाला था। क्या
डॉगी बेटा आपको काटा तो नहीं उसने? नहीं पापा, मेरी दोस्त है ना, किसी से नहीं डरती। सांप जंगल किसी से नहीं। डॉगी को भगा दिया और मुझे बचा लिया। और मामा, तुम्हें मामा के साथ भेजा था ना मैंने, मामा कहाँ है? वो मामा बाहर। तारा, अब क्या तारा तारा कर रही हो? कहाँ थी तुम? एक कुत्ता उसे काटने वाला था। क्या तारा, आपको लगी तो नहीं कहीं? नहीं मम्मा, मेरी फ्रेंड है ना, वो किसी से नहीं डरती। इसने डॉगी को भगा दिया और मुझे बचा लिया। चांदनी, ये है मेरी दादी। बस और ये है मेरी बुआ। दूर और चांदनी, ये है मेरे पापा। बस बस चांदनी, ये है मेरी मम्मा। बस थैंक यू मेरी बेटी को बचाने के लिए। अमृता ये क्या कर रही हो? नीचे रखो उसे। अमृता इसके जर्म्स हो सकते हैं। अब तारा को मत छूना ओके, और पहले कपड़े बदल के आओ। राजीव ये कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची है वो। पर कैसी है तुम्हें नजर नहीं आ रही? खैर तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन अगर हमारी तारा को कोई इन्फेक्शन हो गया तो क्या माँ, वो जाने दो, वो उसको बीमार कर देंगी और इसके बाद उसको संभालने के लिए टाइम तो है नहीं भाभी के पास। बात यहाँ इस बच्ची की हो रही है। हाँ ये बच्ची गरीब है, पहनावे से थोड़ी अलग है, लेकिन ये भी तो एक बच्ची है हमारी तारा की तरह, और बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं होता। और हमें तारा को भी तो यही सिखाना है ना राजीव। खैर मेरी तारा ने तो फर्क किया भी नहीं। राजीव तुम ये देखो ना कि हमारी तारा ने पहली बार कोई फ्रेंड बनाया है। अब किसे दोस्त बनाना चाहिए ये भी सिखाना पड़ेगा क्या भाभी? कि किसी को भी उठा के घर ले आएगी तो आपको पता है कि घर क्या बन जाएगा? दीदी मैं भाभी तो... आप कह क्यों रही हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बात आप अपने ईगो पे क्यों लेती हैं। अरे अगर भैया आपसे कह रहे हैं कपड़े चेंज कर लो तो जाके चेंज कर लीजिए, लेकिन नहीं आपको नहीं करना है ना? अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। रंजनी इस लड़की को अभी घर से बाहर निकालो, ना जाने चोर उचक्की हुई तो पता नहीं क्या क्या चुरा ले जाएगी। जी माँ। दादी प्लीज मेरी फ्रेंड को इधर रहने दो ना, हम लोग टॉयज से खेलेंगे। तारा बेटा आपको दिख नहीं रहा ये कैसी लड़की है? सड़क से उठा के किसी को भी घर थोड़ी ना लाते हैं। आप किसी और से दोस्ती कर लेना। नहीं चांदनी नहीं।
सारा जिद मत करो बेटा, हटो। ए तू क्यों रुक गई, चल। चांदनी नहीं जाएगी, अगर चांदनी जाएगी तो मैं भी चली जाऊंगी। रंजनी, रहने दो। पर राजीव। मामा प्लीज, तारा के लिए, तारा के खातिर। आप सबसे अच्छे हो पापा।